टीम मेंबर आ गया तो आपका मुखिया ही सब भूल जाइएगा। बाबू आप मुखिया का पावर क्या होता है? मुखिया का पावर गया तेल लेने। जाते वक्त ये ना हो कि तुम बिना टिकट का ही चले जाओ दिल्ली। तो आप कहे कि अगर हम समझने लगेंगे तो आप दोनों आदमी को दिक्कत हो जाएगा। गांव है, देहात है, यहाँ खड़े खड़े जमीन में लोगों को गाड़ दिया जाता है। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं राहुल के प्रैंक वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। और दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि हम गांव में आए हैं और ये मेरा भाई उज्जवल है। और उज्जवल हमारे साथ आज हेल्पिंग वीडियो में आया है क्योंकि हमारे ये गाँव के चाचा हैं और ये चाचा के साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ है। बहुत ही बड़े आदमी ने इनके साथ कुछ गलत ही किया है। जो गाँव के प्रधान होते हैं, जो मुखिया होते हैं, उन्होंने इनके घर में आज ताला मार दिया। ये कल शाम से ऐसे ही बैठे हैं और मतलब इनका कुछ कसूर नहीं है। बस यहाँ पे मुखिया जी को गाड़ी रखने के लिए यहाँ पे इस घर को तुड़वा के, मतलब बाप दादा का इनका संपत्ति है तो मुखिया जी मतलब इनका यहाँ पे क्या बनाना चाहते हैं, बस वो अपने गाड़ी रखने के लिए बाप दादा का इनका संपत्ति तोड़वा के और बोल रहे हैं कि हाँ 1-2 लाख रुपया ले लो और ये घर छोड़ दो। क्यों छोड़ देंगे? बाप दादा का संपत्ति है और ये इनका मतलब बहुत ही गरीब है और हमारे गाँव के ही ये बात है और हम जानते हैं इनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अभी तो कुछ दिन से दिल्ली रह रहे हैं। तो एक बार चाचा आप हमारे व्यूअर को बताइए। देखिए, हम कैमरा लगवाए हैं और टेंशन आप मत लीजिए, आपका जो है मिलेगा, ठीक है? आप टेंशन मत लीजिए। और ये चीज़ हमें उज्जवल बताया है कि ऐसे ऐसे बात है कि मुखिया जी ऐसे कर रहे हैं। तो मुखिया जी से तो हम बात करेंगे क्योंकि हम तो मतलब मुखिया जी से गाँव के बड़े बुजुर्ग बात करते हैं, लेकिन फिर भी जाएंगे बात करने। अगर नहीं मानेंगे तो फिर सुजीत भाई को बुलवाना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि मुखिया जी के पास थोड़ा जाने में ये भी लगता है कि क्योंकि गांव के प्रधान हैं, तो अगर नहीं माने तो सुजीत भाई को बुलाएंगे और उनसे ही ज़्यादा करके डिस्कस करेंगे लोग कि हाँ क्या मुखिया जी आप इनका घर में ताला क्यों मारें। कोई आदमी अपने घर से ताला, एक बार हमारे व्यूअर को आप बता दीजिए कि ये कब से मतलब ताला मारे हैं और क्यों मारे हैं। हाँ, ना कोनो कारण नहीं कहेंगे। अब आगे घर में हमारा अथी करके निकाल के ताला वाला मार के कोई सब जमीन में हड़प ले आदमी आया। हाँ, ताला वाला मार दिया। हाँ, मतलब इनका कहना है, ये तो भोजपुरी में बता रहे हैं चाचा, क्योंकि गांव के हैं, हिंदी नहीं आ पाते हैं इनको। हाँ, तो मतलब ये बोल रहे हैं कि हाँ आए मुखिया जी का आदमी आया और क्या किया कि मतलब ताला मारवा दिया और इनको बोला कि हाँ मेरे पास बुला के लाने के लिए। ये गए तो बोले कि हाँ इनका जो मतलब है घर मजर हुआ जो होता है सरकारी जमीन, वहाँ पे जाके अपना कुछ भी घर वर बसा लो, वहाँ पे घर बना के रहो, 1-2 लाख रुपया ले लो। उज्जवल हमें ये सब बातें बताया था हमें और ये भी बता रहे हैं, भोजपुरी में बता रहे हैं, इसलिए आप लोगों को थोड़ा समझ आए या ना आए। तो हम चल रहे हैं मुखिया जी के पास अभी और बात करते हैं। उज्जवल चलो एक बार मुखिया जी से, और हम कैमरा लगवा रहे हैं क्योंकि मुखिया जी के पास जा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, उल्टा सीधा वो भी बोलेंगे तो हम भी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि प्रधान है गाँव के लिए, मेरे लिए तो कुछ नहीं है और ना मुझे उनसे कुछ करना है। बस जिनका जो हड़पे हैं धन संपत्ति वो दे दे, हमें मुखिया जी से कोई मतलब नहीं है और ज़्यादा बेटर है इसलिए कैमरा, क्योंकि कुछ भी गांव में हमें ये सब मालूम नहीं है कैसे क्या हो रहा है यहाँ पे गांव में। गांव में दिल्ली में हम लोग रहते थे तो दिल्ली में सोचते थे कि ऐसे होता है, लेकिन ये यहाँ पर गाँव में भी लोग लालच के लिए कुछ भी कर सकता है लोग। तो आप चाचा घबराइए मत और चलिए मुखिया जी के घर पर और आप जो होगा देखा जाएगा। आप चलिए उठिए। A few moments later. देखिए ये मुखिया जी का गाड़ी है, 3-3 गाड़ी, 5-7 साल हुआ उनको और ये 3-3 गाड़ी आ गया, जबकि कोई नौकरी वोकरी कुछ नहीं है और मतलब 3-3 गाड़ी यहाँ पे उनकी पड़ी है और यहीं गाड़ी लगाने के लिए मतलब ये चाचा का घर तोड़ना चाहते हैं कि हाँ उस घर को तोड़ के और वहाँ पे गैरेज बनवाएंगे जो कि इनका टीना का यहाँ पे बना हुआ है और 3-3 गाड़ी लग सकता है, लेकिन और भी इनके द्वार पे मतलब जो भी हम बाइक है ट्रैक्टर है तो इसके वजह से वो घर तोड़वा के उनका इस चाचा का और वहाँ पे रखेंगे, ऐसा तो नहीं है। तो हम चलते हैं मुखिया जी के द्वार पे ही हैं और बात करने के लिए चलते हैं। आ जाओ उज्जवल, चलो बात करते हैं। आई जी का घर है और देख लीजिए, 7 साल हुआ नहीं और क्या क्या बना के रखे हैं। मुखिया जी कहाँ हैं? अभी सोए हुए हैं। तो बात करना है उनसे थोड़ा बुला। सो रहा है। अरे बात करना है ना आप लोग इन उज्जवला, चलो मुखिया जी को जाओ बुला कर लाओ। कल आए उनको जाओ और बुला कर लाओ, बोलो कि गांव के लोग मिलने के लिए आया है, कुछ काम है, जाओ बैठिए। आइए चाचा बैठिए यहाँ पे बैठो, उज्जवल वहाँ पे बैठो, आने दो मुखिया जी को, लीजिए आप आने दीजिए मुखिया जी को, बात होगा, ठीक है।
आने दीजिए, कोई बात नहीं, आने दीजिए, बैठिए मुखिया जी, बैठो जोल बैठो। बोलिए क्या समस्या है? देखिए इनका जमीन उमीन लिए है क्या? आप जमीन तो लिए है तो मतलब तो आपका वो जमीन है ये बताइए आप, आपका जमीन हो तो बोलिए कि लिए हैं, आपका तो है नहीं। हमारा नहीं है तो क्या हुआ, हमारा तो सब जगह मेरा ही है, सब जगह मेरा। ऐसा थोड़ी है कि आपको कौन जिताया है, गांव की पब्लिक जिताई है। आज जिताया है, पब्लिक जिताया है, तो इसका मतलब क्या पब्लिक मुड़ पर चढ़कर टांडव करेगा? टांडव क्या किए हैं टांडव आपके पास, ये बताइए ना। ये आपको सुने हैं जो आपको गैरेज बनाना है, आपको शायद सुने हैं कि गैरेज बनाना है गाड़ी रखने के लिए, तो अपने जमीन में, अपने जमीन में बनवाइए, दूसरे का जमीन है। पेपर है आपके पास? सब पेपर है। तो आप डायरेक्ट किसी के घर में ताला मार सकते हैं, मुखिया बन गए तो कुछ भी मार सकते हैं ना, मुखिया है तो क्या होगा, मार सकते हैं। अच्छा पंचायत का मतलब मालिक है, पंचायत का मालिक है, अभी जो चाहेंगे वही पंचायत में होगा। मुखिया बन गए तो इसका मतलब किसी का जमीन हड़प सकते हैं, तब तो हमारा भी हड़प सकते हैं, गांव में हम भी रहते हैं। नहीं आप शायद हमको जानते नहीं होंगे, हम तो दिल्ली रहते हैं, लेकिन लोग बनाया है मुखिया इसलिए कि पूरा पंचायत का सेवा करें, पंचायत में अच्छा बुरा सब देखें। तो इस सेवा कर रहे हैं। अच्छा लगा, गाड़ी रखने की जगह नहीं है, हमारे जमीन के सामने इनका जमीन था, हम उसको रख लिए। इससे इनको अगर दिक्कत है तो हमको बताए क्या दिक्कत है। दिक्कत है किसी का घर है वो कहाँ रहेगा, आप तो आलीशान बिल्डिंग में आके सो रहे हैं, लेकिन ये कल रात में कहाँ सोए हैं आपको मालूम है, तभी ताला मरवा दिए। हमारे घर पे आए, हमारे घर पे सोए। ऐसा थोड़े है कि आपका घर पे आके सोएंगे अपना घर छोड़ के। देखिए मुखिया जी हम यही चाहते हैं, इनका चाबी वापस कीजिए, और इनका जहाँ घर है आप अपने जमीन में जो बनवाना है, गैरेज बनवाना है, जो भी करना है कीजिए। और आप इनका वकील बन के आए हैं? वकील नहीं बन के आए हैं, आप तो दिल्ली में वो क्या बोलते हैं शूटिंग वूटिंग करते हैं। हाँ तो आप जानिए गए होंगे कि हम दिल्ली में रहते हैं और आए हैं गाँव में, ऐसा मालूम हुआ है कि आप आया है गांव में। हाँ हाँ, नहीं मालूम है गांव का तौर तरीका, गांव का तौर तरीका से हमें कुछ लेना नहीं है। दिल्ली में वही काम किया कीजिए, नहीं तो यही गाड़ देंगे। तो वही कर रहे हैं, और मुखिया जी ये गर्मी मत दिखाइए, ये गर्मी मत दिखाइए आप, ठीक है? पहली बात गर्मी दिखाइएगा किसी और को, और नहीं मानिएगा तो फिर उसके लिए हम आगे सोच सकते हैं आपके लिए, ऐसा बात नहीं। आपको आप बोल रहे हैं तो ये मत समझिए कि आप सर पे चढ़ जाइएगा, ये गांव के प्रधान है और प्रधान के जैसा रहिए, कुछ नहीं कर सकते। आने वाले समय में सुनिए ना, पब्लिक ही बनाती है, पब्लिक ही बनाती है, ठीक है मुखिया जी, पब्लिक ही बनाती है, तो आप बने हैं यहाँ तक आए हैं। पब्लिक बनाती है तो पब्लिक क्या सर पर चढ़ के तांडव करेगी मेरे? तांडव कुछ गरीब आदमी का आप रखे हैं, क्या हुआ कुछ लिए थे इनसे, पैसा वैसा लिए थे? नहीं पैसे नहीं लिए थे। क्यों ले लिए? हमको मन में आया, हमको अच्छा हुआ, जमीन हड़प लेंगे, गाड़ी लगाने की जगह है, गाड़ी लगा दिए हैं, इसका मतलब थोड़ी हमारे मुझे वोट दिए हैं, एक तो वोट दिए थे घर में, एक तो वोट है नहीं देंगे। अच्छा वोट नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। तो एक एक वोट से ना, एक एक वोट से आप हार सकते हैं, एक एक वोट से मुखिया जी आप हार सकते हैं, ठीक है? ऐसा मत बोलिए कि यहाँ कोई बात नहीं है। सुनिए मुखिया जी, आप प्यार से नहीं मानिएगा तो आपके खिलाफ केस करेंगे, और आपके साथ जो भी कानूनन कार्रवाई होगा करवाएंगे। ये मत समझिए कि आप मुखिया हैं तो कुछ भी, गांव के प्रधान हैं, जहां जाने की इच्छा हो जा सकते हैं, थाने पर जाइए, कोर्ट में जाइए, सब जगह जा सकते हैं, मेरा आदमी सब जगह बैठा हुआ है, हम जो चाहेंगे सो ही होगा यहाँ पे। तो आप शायद नहीं जानते हैं मुखिया जी हमारे टीम मेंबर के बारे में, अगर हमारे टीम मेंबर आ गया तो आपका मुखिया ही सब भूल जाइएगा। बाबू आप भूल रहे हैं, भूल जाइएगा मुखिया जी, दिखाइएगा ये गांव है, देहात है, यहाँ खड़े खड़े जमीन में लोगों को गाड़ दिया जाता है, आप नहीं समझ रहे हैं। जो दिल्ली का भाषा बोल रहे हैं कि टीम आएगा, ये आएगा, वो आएगा, पलना ठिकाना वो सब कुछ नहीं है, यहाँ पे जो हम चाहेंगे सो ही होगा। देखिए मुखिया जी हम यही चाहते हैं इनका दे दीजिए, वरना जो भी होगा सही नहीं होगा आपके लिए। आप ये जो मुखिया मुखिया लगा के रखे हैं ना, मुखिया वो कोई हो नहीं समझते हैं, और आप इनको खिलाने के लिए नहीं देते हैं, लेकिन हाँ आपको ये बनाए हैं, एक एक वोट दे के आपको ये बनाए हैं, बल्कि आप नहीं बने हैं। सही गलत का फैसला आप हमको मत समझाइए। सुनिए ना, तो आपसे ज़्यादा शायद लगता है कि हम समझदार हैं, इतने कम उम्र में आपसे ज़्यादा हम समझदार हैं।
इतना लोग हम ठीक है जिताया है, सही गलत का बारे में हमको मत समझाइए। काहे कि अगर हम समझने लगेंगे तो आप दोनों आदमी को दिक्कत हो जाएगा। तो आप एक काम कीजिए, जितना समझना है ना आप समझ लीजिए, ठीक है मुखिया जी। और हम चाहें ना आपको बर्बाद करने के लिए 10 दिन में पूरा गिरा सकते हैं आपकी, और पूरा गांव में आपकी छवि खराब कर सकते हैं। कोशिश कर लो, अभी समय है तुम्हारे पास, जितना दिन हो गांव में कोशिश कर लो, जाते वक्त ये ना हो कि तुम बिना टिकट का ही चले जाओ दिल्ली। तो आपको जो भी करना हो तो आप भी एक बार कर लीजिए, अगर कहीं अगर हम लोग अपने पे आ गए। पावर क्या होता है? मुखिया का पावर गया तेल लेने, ठीक है। मुखिया से हमको कोई मतलब नहीं है, बस इनका जो रखे हैं कानूनन अपराध है, और नहीं दीजिएगा तो ये समझ जाइएगा मुखिया जी। नजर में अपराध नहीं है, हमारे नजर में सही है, हम जहाँ हाथ रखेंगे वहीं जो मेरा हो जाएगा। तो आइए कहीं हमारे भी जमीन पे हाथ रख लीजिए, समय आएगा तो रखेंगे, वहाँ पे भी रखेंगे समय आएगा तो। तब ये मुखिया जी आपका, मुखिया जी ये भरम छोड़ दीजिए कि आप किसी के सामने चाहिएगा अपना ये गर्मी दिखाने के लिए। गर्मी आपके लिए हम लोग बनाए हैं वोट दे के एक एक, और ये आप जो भूल रहे हैं अपनी हैसियत भूलिए मत, पब्लिक आपको बनाई है पहली बार। अभी गर्मी तू हमारे देखे कहाँ हो, जब गर्मी दिखाएंगे तो दिखा लीजिएगा मुखिया जी, दिखा लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और शायद हमें जब दिखाएंगे अच्छे तरीका से, आप नहीं जानते होंगे, बस ये जानते होंगे वीडियो वीडियो बनाता है तो आप अच्छे तरीका से नहीं जानते होंगे, जान जाएंगे तो ये सोचना भी भूल जाएंगे। नहीं बने हैं ना तो ठीक है, कोई नहीं, आपको जो करना है कर लीजिए, और इनका जमीन और घर द्वार नहीं छोड़िएगा इनका, 2 दिन के अंदर में चाबी नहीं दीजिएगा तो आप पे हम केस करेंगे, और आप भूल जाइए। जो करना है सो कर लो तुम, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये गरीब आदमी मैंने दे दी होने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। जमीन जब आप हाथ मत जोड़िए चाचा, हाथ मत जोड़िए, आप लोग जो मन में आए जो इच्छा करे वो कर सकते हैं। पानी पिला लो, गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी है ना, ऊपर से गर्मी लोग पैदा कर रहा है लोग, कुछ होगा। नया पे आपका भी गर्मी है, नया नया मुखिया बने हैं ना युवा, आपको हम लोग बनाए हैं एक एक वोट दे के। और एक और काम देख लीजिए मुखिया जी कि एक कैमरा लगवाए हैं, ऐसा ऐसा कैमरा कितना आया गांव में सुनिए ना, हर एक बच्चे के हाथ में कैमरा घूम रहा है, जो तुम लोग को इच्छा हो कर सकता है। ये गांव में पूरे लोग आपका देखेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, और वोट के लिए बोल रहे हैं एक एक वोट कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, देखेंगे यही लोग, कुछ नहीं होने वाला है, देख लीजिए। ठीक है आप चलिए चाचा मेरे घर पे रहिए, और देख लीजिए ये कैमरा से आपका क्या हम बिगाड़ते हैं, और नहीं मानिएगा ना मुखिया जी देख लेंगे आपको, ठीक है। तुम दोनों आदमी जो भी आप जहाँ पे जो करना, अरे मुखिया जी बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े लोग आके फेंक लिए, चलिए चिल्लाइए कम, ज्यादा बेटर रहेगा, चिल्लाइए कम।